धर्मपुरी नगर परिषद अध्यक्ष शब्बीर पहलवान व नगर परिषद के पार्षद गण ने मध्य प्रदेश में CAA, NRC और NPR कानून लागू न करने की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेटर लिखा है। केंद्र सरकार द्वारा CAA, NRC व NPR कानून लाते ही देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसको देखते हुए धर्मपुरी नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षद गणों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि CAA, NRC और NPR प्रदेश में लागू नहीं किया जाए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में गरीब तबके के लोगों की संख्या ज़्यादा है और गरीब जनता कहां से इतने पुराने कागजात लाएगी। मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया है, मेरी परिषद को बनने को 2 साल होने जा रहे हैं। मैंने अभी देखा हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह ने बैठे कमरे में बैठ के जो संविधान का मजाक करा है उसके खिलाफ मैंने सोचा मेरी परिषद मेरे 10 पार्षद और मैं अध्यक्ष के नाते मैं कमलनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने TV के माध्यम से कहा था कि NRC यार जो भी है ये लगने नहीं दूंगा मध्य प्रदेश में, और हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साल भर हो गया है ना कांग्रेस सरकार को, मुख्यमंत्री इसको लागू नहीं करें। इस पर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा हुआ है और इसमें गरीबों का कई जातियों का इसमें नुकसान होगा। कहाँ से कागज़ लाएंगे, उनके बाप दादा या उनके दादाओं के दादा के उनके कागज वो इकट्ठे कर नहीं पाएंगे। मैंने सोचा मेरी परिषद से भी मैं कमलनाथ से हमारी परिषद का प्रतिनिधित्व मिलेगा, पर डाक के माध्यम से मैं उनको ये ज्ञापन उनको कल सौंपूँगा। और मैं मांग करता हूँ कि ये अंधा कानून और संविधान के खिलाफ जो केंद्र गवर्नमेंट ने जो करा है उसका मैं विरोध करता हूँ और मेरी परिषद भी विरोध करती है।